आज के 6 अरब इंसानों का गम, पिछली सदी के अरबों इंसानों का गम, 14 सदियों के इंसानों का गम एक जगह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक लम्हा एक जगह बराबर नहीं हो सकता कभी। इतना गम उठाया उन्होंने अपने सीने, इसलिए उनके वो सीना जमजम से बचपन में भी धोया गया, मेराज पे भी धोया गया, और उस सीने के ऊपर अल्लाह ताला की वो वही उतरती थी कि किसी सहाबी के घुटने के ऊपर आपसे सल्लम का घुटना होता तो उसकी हड्डी टूटने के चांसेस होते। ऊंटनी पे आपसे सल्लम पर बोझ आता था वही का, जिस कुरान के बारे में अल्लाह कहता है लहू अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरायतौ खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, कि ये पहाड़ पे अगर हम कुरान उतार देते तो ये रेजा रेजा होकर फट जाता। ये आपसे सल्लम का सीना था जो उस कुरान को डायरेक्ट दुनिया के सबसे अजीम तरीन फरिश्ते से लेता था। और नबी सल्लम के पास इल्म कितना था, और आज ही देखें कितनी थी। हज़रत उमर की आज ही आप देखें, कपड़ों के ऊपर पैमंद लगे हुए हैं और शाम की चाबियां लेने जा रहा है। हाँ जी, क्या लीडरशिप थी मुसलमानों की जी। रूम के बादशाह ने जलील किया खालिद बिन वलीद को भी, क्या करने आए हो तुम यहाँ पर। तो उन्होंने फरमाया यार देखो, तुम छुपकली खाने वाली कौम आए हो हमारे ऐवानों में हमसे बात करने के लिए। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं देखो मियाँ, हमने खून खाने की, हम खून पीने की आदी हैं, सुना तुम्हारा खून बड़ा मीठा है, हम तो खून सुन के आए थे तुम्हारा। अगले हिल गए हो कैसे यार, इस लेवल का कॉन्फिडेंस है, किस कायदे ने डाली है इनमें ये बातें। तैयार थे वो अल्लाह के नबी के लिए जान देने के, तैयार थे, उनको चढ़ी भी थी इस बात की कि यार मैं मर जावा पहले जाके अल्लाह दी राह दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कभी टेंशन ही नहीं आई थी कि अगर ये कहना होता तो भाई 16 बंदों ने उस राय में जाके वहां पे का हमला करना है, उनको टेंशन, वो तैयार थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जाने देने के लिए। हैं जी, कैसे तैयार किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खब्बाब बिन अरद को लिटाया हुआ है कोयलों के ऊपर, कोयले जो है उनकी खाल और फैट और चर्बी जलाए जा रहे हैं, अहद अहद के नारे लग रहे हैं। बिलाल हबशी रदी अल्लाह अन्हु के ऊपर पत्थर रखे हुए, अहद अहद के नारे लग रहे हैं। ये लीडरशिप थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये क़यादत थी। और मुसलमानों की क्या क्या क़यादतें गुजरी हैं जिन्होंने दुनिया पे राज, हमें सिखाया जा रहा है, आज हमें सिखाया जा रहा है दुनिया के, दुनिया हमें कह रही है लीडरशिप जाके सीखे आप जाके जी गैरों से जाके, हम गैरों के ऐवानों से जाके लीडरशिप से, जबकि मुसलमान के अंदर सर से पैर तक क़यादत घुसी हुई होती है दुनिया के अंदर, कोई हम लीड करे। ये भी एक बड़ा मसला है कि सारे इन्होंने कोई फॉलोअर नहीं है, सारे चौधरी ने कह, मुसलमानों अपनी चुदराहट नु याद रखो, किसी जमाने के अंदर तो पूरी दुनिया के अंदर राज किया दुनिया के अंदर, किस तरह मैं क्यों आया इस फील्ड की, क्या मेरी फील्ड यही थी कि मैं इन्होंने मनवावांगा कि एकेडमिकली भी हर फन के अंदर हमारे मुसलमानों की कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये क्या बात कर रहे हैं आप, इस पर